मार्शल पिछले 38 दिनों से केजरीवाल सरकार की दिल्ली सचिवालय के बाहर बैठ के अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने इन्हें नौकरी से निकाल दिया है। यह सब दिल्ली के DTC बस मार्शल के रूप में तैनात थे, आज इन्हें बेरोजगार कर दिया गया है। इनकी नौकरी वापस कैसे आएगी किसी को नहीं पता। इसी बीच एक बड़ी खबर आई है जिससे केजरीवाल गैंग में हड़कंप मच गया है। दिल्ली सरकार की एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में महिलाओं की बेरोजगारी की दर नेशनल एवरेज के मुकाबले दोगुनी से ज्यादा है। ऐसा माना जाता है कि एक महानगर और देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर ज्यादा होंगे, लेकिन इस रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं वो इसके बिल्कुल उलट है। आइए देखते हैं। वुमन एंड मैन इन दिल्ली 2023 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में दिल्ली में पुरुषों में बेरोजगारी दर 5.1% और महिलाओं की बेरोजगारी की दर करीब 6% थी। राष्ट्रीय स्तर पर यह बेरोजगारी दर पुरुषों में 4.4% और महिलाओं में 3.3% रही। रोजगार की व्यापक स्थिति के विश्लेषण में यह खुलासा हुआ कि देश की राजधानी में करीब 33% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है। इनमें से 63% लोग दैनिक भत्ते या वेतन वाले रोजगार करते हैं। वहीं करीब 3.5% लोग लेबर कैटेगरी के हैं। वहीं महिला वर्करों में केवल 17% ही स्वरोजगार करती है, जबकि 83% महिलाएं नियमित वेतन भत्ते मिलने वाली नौकरियां करती है। इंडस्ट्री के आधार पर देखें तो करीब 60% महिलाएं अदर सर्विसेज की कैटेगरी के तहत काम करती हैं, जबकि करीब 15% महिलाएं ट्रेड, होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में काम करती है और तकरीबन इतनी ही महिलाएं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। पुरुष वर्करों के मामले में भी करीब 30% लोग व्यापार और होटल या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जबकि 24% मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कार्यरत है और करीब 22% लोग अन्य तरह के सेवा क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के मामले में भी महिलाएं पुरुषों के मुकाबले काफी पीछे आई हैं। इसमें पुरुषों की भागीदारी जहां 57% से भी ज्यादा है, वहीं महिलाओं की भागीदारी लगभग 9.5% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में पुरुषों की भागीदारी करीब 57% और महिलाओं की करीब 25% है। रिपोर्ट में सबसे ज्यादा चिंताजनक जो बात उभर कर सामने आई है वो यह है कि करीब 90% महिलाएं नॉन वर्कर की श्रेणी में आती है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी पुरुषों की भागीदारी 80% से ज्यादा है, जबकि महिलाओं की 20% से भी कम है। कुल मिलाकर रोजगार के मामले में महिलाओं और पुरुषों के बीच एक बड़ा गैप बना हुआ है। पुरुषों में 87% से ज्यादा लोग किसी न किसी रोजगार से जुड़े हैं, वहीं महिलाओं की कुल तादाद में केवल 12.5% महिलाएं किसी रोजगार से ही जुड़ी है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर। जय हिंद, जय भारत।